दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 200 वाट की फिलर लाइट को लेकर, ठीक है, जो टेंट हाउस लाइट भी आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा एक नया मॉडल है जो हमने ये लॉन्च किया है, ठीक है, अपनी ब्रांड में KBS में, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इसकी फुल डिटेल मिलने वाली है, ठीक है। इसे मैं असेंबल भी करके दिखाने वाला हूँ, इसके पार्ट्स भी आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो भी इसके सारे पार्ट्स हैं, ठीक। मेन पार्ट्स इसका ये हाउसिंग होती है जो कि हैवी वेट है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में। और इसका जो भी है ये लेंस कार्ड है, ठीक है, इस पर ये ब्रांडिंग भी करा रखी है हमने। और ये आपका MCPC भी हो गया, ये भी अच्छी क्वालिटी का 1.5 mm का है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर है इसका, इसमें इस टाइप का ये कुछ रिफ्लेक्टर इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसका ये गैस्केट है, और गैस्केट भी ये मोटा है, पहले से हैवी गैस्केट है, अच्छा है, ठीक है। और इसका जो हैंडल है, हैंडल भी अच्छी क्वालिटी का है इसमें, ठीक। ये 360 डिग्री घूम सकता है, ठीक। तो इस वीडियो में आपको इसे असेंबल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये ड्राइवर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 6 KB के हमने यूज किए हैं, इससे पहले हमने जो यूज किए थे वो 4 KB के थे, ठीक है। ये 6 KB में ऑटो कट वाले हैं, ठीक है, हैवी क्वालिटी में 4 ड्राइवर यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं अभी आपको असेंबल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, पहले, ठीक है, बाकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये हाउसिंग है हमारी, हाउसिंग में हमें MCPCB को सेट करना है, ठीक है। सेट करने से पहले हमें इसके बैक में हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट जो भी होता है, ठीक है ना, उसे हमें लगा लेना है। इस टाइप से इसके जो बैक में हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट लगा लेना है, ठीक है। और इस पर हमें इसे सेट कर देंगे, इस टाइप से हमें जो भी इसके होल हैं हाउसिंग के वो मैच कर लेना है MCPC और हाउसिंग के, ठीक है। और हमें इसमें स्क्रू सेट कर देना है। ये हमारे स्क्रू सेट हो गए इसमें। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इसमें जो ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर सेट करना है। पहले हमें जो ड्राइवर है हमारे, ठीक है, इस टाइप के ये हमारे ड्राइवर हैं, तो हमें इसका क्या है, एक बंच बना लेना है। इसमें 4 यानी कि ड्राइवर यूज होंगे, तो 4 ड्राइवर के हमने देखिए ये कुछ बंच बना रखे हैं पहले से। तो इस टाइप से ये कनेक्शन करके, ठीक है, बंच बना लेना इस टाइप का। इसमें ये 4 ड्राइवर हमने ये सेट कर लिए, ठीक है। तो इसे हमें सेट करना है इसमें, जिसमें पहले हमें जो केबल ग्लैंड है उसे हमें सेट कर लेना है। केबल ग्लैंड हमारा सेट हो गया है। अब हमें जो हमारे जो ड्राइवर हैं, ठीक है, उसे सिलिकॉन पेस्ट के द्वारा हमें चिपका लेना है, ठीक है। इस तरह से हम ये चिपका देंगे इसमें, ठीक है। सिलिकॉन पेस्ट एक तरह से रबड़ पेस्ट होता है, ठीक है, जो कि इस टाइप का होता है, चाइनीज मार्क का होते हैं ज़्यादातर, ठीक। तो इससे हमें चिपका लेना है। इस तरह से हमारे जो इसमें जो 4 ड्राइवर हैं, ठीक है, ये हमने सेट कर दिए हैं। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में इसका जो अर्थिंग वायर है, ठीक है, इसे हमें सेट कर लेना है, ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, जो हमारे इसमें जो MCPCB के जो पॉइंट है माइनस प्लस के, ठीक है, और ड्राइवर के हैं, इसे हमें सोल्ड करना है, ठीक है, ये कनेक्शन करने हैं हमें। तो इसमें देखिए नॉर्मल है, इसमें 4 पॉइंट है प्लस वाले हैं, और इसमें 4 माइनस वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 चौके यूज होने वाले हैं, इसीलिए इसमें 8 पॉइंट टोटल इसमें दिए हुए हैं। तो हम ये कनेक्शन कर लेते हैं पहले। अभी जो हमारे जो माइनस प्लस के इसमें पॉइंट है, इस पर हमने ये सोल्डर लगा लिया पहले से, क्योंकि पहले से सोल्डर लगा कर, ठीक है, जो वायरिंग है अच्छी से सोल्ड हो जाते हैं। अब इसे हम सोल्ड करते हैं यहाँ पर जो भी वायर है इसके माइनस प्लस के, ठीक है। इस टाइप से ये हमें सोल्ड कर लेने हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें चारों ओर हमें एक गैस्केट होता है, ठीक है, इस टाइप का जो भी गैस्केट ये रबड़ होती है, ये हमें सेट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइट को ये वाटर प्रूफिंग बनाता है। गैस्केट हमारा सेट हो चुका है, ठीक है, इसके चारों ओर ये सेट हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इसका जो लेंस कार्ड और रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, उसे अटैच करना है, इसके ऊपर से सेट करना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का ये हमारा ये रिफ्लेक्टर हो गया इसका, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेंस कार्ड, ठीक है। तो इसे हमें सेट कर लेना है, ये लेंस कार्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें रिफ्लेक्टर को से सेट कर लेना है पहले, ठीक है।
इसमें होल होते हैं इसके चार और, ठीक है, ये चार, ठीक है, उस हिसाब से इसमें से सेट कर देना है, ठीक है, प्रेस करना है, बस ये सेट हो जाता है। इसके बाद हमें इसे उठाकर इसके ऊपर सेट कर देना है, ठीक है, लाइट के ऊपर। इस स्टेप से ये सेट हो जाएगा। अब फाइनली हमें इसके जो भी स्क्रू होते हैं, ठीक है, स्क्रू सेट कर देने हैं इसमें हमें, तो स्क्रू हम सेट कर लेते हैं ये। हमने स्क्रू इसमें ये लगा लिए हैं, ठीक है, अब हमें ने टाइट करना है इसमें, ठीक है, तो हम ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे हमें टाइट कर देना है, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से हमें जो भी स्क्रू है, ठीक है, वो ने सेट कर लेना है। जो हमारे स्क्रू हैं ये सब सेट हो चुके हैं। अब हमारी जो लाइट में फाइनली जो भी है, ये जो हैंडल होता है, ठीक है, हैंडल सेट होना है, बाकी हमारी लाइट रेडी है, तो हम हैंडल भी इसमें सेट कर लेते हैं। इस टाइप से हमें इसे टाइट कर देना थोड़ा, ठीक है ना, जैसा भी है। हमारे इसमें दोनों नट ये सेट हो गए, हमारा जो हैंडल है वो सेट हो चुका है। हमारी लाइट अब रेडी है ये पूरी तरह से बनकर, ठीक है। इसके लेंस कार्ड भी देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, मोटे वाले इसके लेंस कार्ड हैं। इसमें जो अंदर से जो भी SMD है इसकी, वो भी काफी बड़ा साइज इसका शो होता है, ये लगाकर जो लेंस कार्ड है, ठीक है। तो अब हम इसे फाइनली इसे टेस्ट करा के दिखाते हैं, इसे सप्लाई में लगाते हैं। इस वीडियो में इसकी जो रोशनी है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं दिखेगी, क्योंकि ये ब्लिंकिंग करता है, ठीक है। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ब्लिंकिंग करता है थोड़ा, ये आपको पता है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी हमने ये सप्लाई इसमें लगा रखी है, ठीक है, तो इस टाइप से इसमें काफ़ी हैवी ब्राइटनेस है। जब आप इसे आप देखोगे, आप आंखों से आने की इसकी रोशनी देखोगे, जब आपको पता पड़ेगा, ठीक है, वीडियो में प्रॉपर रोशनी नहीं आपको दिखाई देगी इसमें। अब हमारी लाइटें फाइनली रेडी हो चुकी हैं, ये सब देख सकते हैं आप, ये क्वालिटी भी काफी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। और मैं आपको इसका एक लाइट का टोटल वेट भी दिखा देता हूँ कि कितना इसका टोटल वेट है, ठीक है। ये देखिए, ये बैलेंस है, ठीक है, जीरो है। अभी इसका टोटल वेट देखिए आप क्या है, ये 2 kg है, ठीक है, 2 kg प्लस इसका टोटल वेट है। तो दोस्तों, इस टाइप की अगर आपको लाइट खरीदनी है, ठीक है, आपको परचेज करनी है, या फिर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का छोटा मोटा कोई भी, ठीक है, तो वो आप उसके लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसका जो भी आपको पार्ट्स चाहिए, ठीक है, या रेडी चाहिए, हमारे पास ऑल टाइप की सब लाइट्स यानी कि मिल जाती हैं। केवल हमारा जो काम है वो LED लाइट्स में ही है, इसके पार्ट्स वगैरह, ठीक है, वो सब हम रखते हैं, OEM भी करते हैं। अगर आपकी अच्छी क्वांटिटी है तो हम आपके इसमें ब्रांडिंग भी कर देंगे, ठीक है, आपके हिसाब से जो भी आप चाहो उसमें, ठीक है। PC पर क्या प्रिंट होना है, ठीक है, जो हाउसिंग पर यानी कि जो मेन ब्रांडिंग होती है, ठीक है, वो क्या होना है उसमें, वो सब यानी कि आपके हिसाब से सब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बस उसके लिए क्वांटिटी चाहिए, बाकी अगर आपको इसमें रेडी पीस चाहिए, ठीक है, तो आप एक पीस भी ले सकते हैं हमारे पास, यानी कि उसकी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि मिनिमम यानी कि इतना ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इतना जरूर है, जो हमारा प्राइस होता है वो क्वांटिटी बेस्ड होता है। अगर आप एक पीस लोगे उसका प्राइस अलग होता है, ठीक है, उसमें आप 10 पीस लोग उसका अलग है, 50 का अलग है, 100 का अलग है। हमारा जो मेन प्राइस होता है वो क्वांटिटी बेस ही होता है, जितना आपका ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी होगा उतना हमारा प्राइस भी उतना ही डाउन हो जाता है। तो अगर आपको और डिटेल चाहिए तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, वहाँ से आप हमारा जो कैटलॉग व्हाट्सएप का कैटलॉग है उससे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर वहाँ आपको हमारी और भी लाइटें, उनकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी, उनका प्राइस भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और इसमें कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास COD सर्विस नहीं होती है। जो भी अगर आपको परचेज करना है तो आप हमारे एड्रेस पर आ सकते हो, हमारी जो भी शॉप है वहाँ पर, ठीक है, या फिर आप पहले पेमेंट आपको करना पड़ेगा, फिर हम जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पर आपका जो भी मटेरियल होगा वो हम डिस्पैच कर देंगे यहाँ से, ठीक है, कोरियर के थ्रू। अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट में भी हम डाल देंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे नियर बाई हैं जहाँ बस की सर्विस होती है तो बस में भी हम रखवा देते हैं, वहाँ से आपको सेम डे भी मिल जाता है,
जो भी यानी कि आप डिस्टेंस पर डिपेंड करता है वो। और अगर आपको इसका प्राइस चाहिए, ठीक है, इसका जो प्राइस डिटेल चाहिए, तो इसका जो प्राइस के लिए मैंने लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो में इसका प्राइस मैं बता नहीं सकता मैं आपको, क्योंकि मैं अभी आपको इसका प्राइस बता दूंगा, प्राइस चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं वीडियो में किसी में भी प्राइस ओपन नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी यानी कि प्राइस है, ठीक है, आप हमारे कैटलॉग में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो भी प्राइस होता है वो अपडेट यानी होता रहता है प्राइस। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।